ना कुछ तो परेशानी है ही जनता में, और दूसरी बात ये मौसम का भी प्रभाव है और अधिकारी किसी प्रकार की बात कोई सुनते नहीं। क्या घंटों रहती है अगोसी बिजली कटौती? हाँ बिजली कटौती काफी रहती है, 3-4 घंटे नहीं आती है, और इसमें परेशानी अगर कंप्लेन भी लिखाओ तो कोई सुनता नहीं। क्या बिजली की आवाज आई से लोग तंग है? हाँ बिल्कुल तंग है, बिजली की आवाज आई और पीपर से कम ज्यादा वोल्टेज निरंतर रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, और इससे काफी उपकरण भी खराब होते हैं। तो इसमें मतलब ये जो लाइन माइन वगैरह संविदा में जो रहते हैं बगैर पैसे लेके काम भी नहीं करते। क्या सरकार की मंशा पर पलीता लग रहा है? सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि मतलब सरकार चल रही होगी सरकार से, क्योंकि जो अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पर पावर हाउस में ये बिल्कुल उसमें पलीता लगा रहे हैं। क्या सब स्टेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती? हाँ बिल्कुल नहीं सुनवाई होती, मैंने कई बार फोन भी लगाया है, किंतु ये लोग बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। पब्लिक जो है त्राई त्राई कर रही है, गर्मी की वजह से पानी की भी दिक्कतें हैं। इस समय 3 दिन से इस वार्ड पे लाइट नहीं आ रही है, जहाँ पे सरकारी अस्पताल भी है, तहसील भी है, सारे जिम्मेदार अधिकारी भी यहीं रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। क्या घंटों रहती है अघोषित बिजली कटौती? जी अघोषित बिजली कटौती घंटों चलती है, जिसका जो है यहाँ के अधिकारी कोई जवाब नहीं देते हैं, फोन करने पर कहते हैं लाइट अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगी, और घंटों अघोषित बिजली कटौती चलती है। क्या बिजली की आवाज आई से लोग तंग हैं? बिजली की आवाज आई इस समय जो है गर्मी के समय में बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं, अघोषित कटौती चलती है, बार बार बिजली आना जाना वोल्टेज का न रहना, इससे लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। क्या सरकार की मंशा पर लग रहा है पलीता? बिल्कुल, योगी और मोदी जी की मंशा जो है कि लोगों को अच्छे से बिजली मिले, उस पर जो सरकारी अधिकारी हैं पलीता लगा रहे हैं, लोगों को कनेक्शन देने में दिक्कतें आ रही, कनेक्शन ले नहीं पा रहे, अधिकारी उनको परेशान करते हैं, दलालों का जमवाड़ा रहता है। क्या सब स्टेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती? सब स्टेशन पर अधिकारी मिलते ही नहीं है, ज्यादातर दलालों से बात होती है, किसी को कनेक्शन लेना होता है तो दलाल ही आते हैं आगे। पूर्व की स्थितियों को देखें, पूर्व की सरकारें जो रही समाजवादी पार्टी की और आज योगी और मोदी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। हाँ कुछ जगहों पर हो सकता है मौसम बारिश की वजह से आंधी आने की वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, मशीनरी है कभी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर पूर्व की सरकारों से बेहतर बिजली व्यवस्था मिल रही है जनता को, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या घंटों रहती है अघोषित बिजली कटौती? वो मैंने पहले ही कहा कि मशीनरी है, मौसम भी इस प्रकार का इस समय है कि कभी आंधी कभी बारिश, इन सब चीजों का प्रभाव मशीनरी पे कहीं ना कहीं पड़ जाता है, तो स्वाभाविक है कभी कभी नहीं रहती है लाइट, लेकिन ऐसा नहीं है पूर्व से बहुत बेहतर है, इसमें कोई धोखा नहीं। क्या बिजली की आवाजाही से लोग तंग है? शायद इस सवाल का भी जवाब मेरे पूर्व के आंसर में छुपा हुआ है। क्या सरकार की मंशा पर लग रहा पलीता? सरकार की मंशा स्पष्ट है, जैसा कि मोदी जी और योगी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उत्तर प्रदेश या पूरे समूचे हिंदुस्तान को हर व्यवस्था हर योजना हर व्यवस्था का लाभ देना ये सरकार का दायित्व तो है और पूर्व की सरकारों से निश्चित तौर पर अच्छा हो रहा है। रही बात बिजली की, बिजली में सरकार बेहतर करना चाहती है, अभी उत्तर प्रदेश में सरकार आए करीब 2 वर्ष के ऊपर हो चुका है, बहुत बड़ी खामियां थी, धीरे धीरे उनका सुधार उत्तरोत्तर होता चला जा रहा है, आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। कटौती से इतना हाहाकार मचा है, जितने कल कारखाने हैं यहाँ पे नहीं फतेहपुर जिले में पूरे है, आधे ज्यादा बंद हो चुके हैं, जो बंद नहीं हुए वो बंद होने के कगार पे है। अगर हम जनरेटर भी लगाते हैं तो उससे बिजली जो है कंटिन्यू में हो नहीं पाती है, जिसके पीछे कल कारखाने चल नहीं पाते हैं, ना कल कारखाने चल पाते हैं, ना जो है घरेलू बिजली मिल रही है, घरेलू बिजली न मिलने से आदमी सो नहीं पा रहा है, जब सो नहीं पा रहा है तो दिन में काम नहीं कर पा रहा है, तो ना तो प्रोडक्शन हो रहा है, ना लेबर अपना काम कर पा रही है, ना दुकानदार अपना काम कर पा रहे हैं, तो बिजली से आदमी का हाहाकार तो मचा हुआ है। क्या घंटों रहती है अघोषित बिजली कटौती?
हर समय कभी आती है, रात में 20 दफे ट्रिप होती है, दिन में भी ट्रिप होती रहती है। जब तक कंटिन्यू एक हमको प्रोग्राम बता नहीं दे बिजली डिपार्टमेंट कि क्या घंटे दिन में कम होगी और उसकी टाइमिंग क्या होगी, रात में कै बजे, उसी हिसाब से हम अपने कल खाने की व्यवस्था करें, उसी हिसाब से अपने सोने और खाने की व्यवस्था करें। क्या बिजली की आवाज आई से लोग तंग है? इतना तंग है कि परेशान हो गया, समझ नहीं पाते हो करें क्या। ना तो गरीबी में जनरेटर लगा सकते हैं, ना मीडियम क्लास जनरेटर लगा के उसका इस्तेमाल कर पा रहा है। एक बिजली का बिल दे, बिजली का कनेक्शन ले, इसके बाद जनरेटर खरीदे, उसका मेंटेनेंस करे, दोनों काम कैसे कर पाएगा। क्या सरकार की मंशा पर लग रहा पलीता? सरकार की मंशा तो खराब नहीं है, व्यवस्थाएं खराब है। इससे खराब तो सरकार की मंशा पहले थी, बीएसपी गवर्नमेंट में बिजली नहीं मिली, सपा गवर्नमेंट में बिजली उससे बेहतर मिली, उससे बेहतर यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट में मिल रही थी। इधर कई महीनों से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, जिसके पीछे बिजली की दुर्व्यवस्था होने से आदमी किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। क्या सब स्टेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती? सुनवाई होती है जब फॉल्ट हो रही है, कर्मचारी कम है, काम करने वाले नहीं है, तो आज की बिजली कल ठीक होती, कल की परसों ठीक होती है। ट्रांसफार्मर जो खराब है, 8-8 दिन मिलते नहीं है। लोग यहाँ पे गर्मियों से मर रहे हैं और लाइट भी नहीं आ रही है। ऐसी गर्मियों जब लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लाइट का पता नहीं होता, पूरे पूरे दिन जो लोग परेशान होते रहते हैं, कैसे चलेगा इसे? क्या घंटों रहती है अघोषित बिजली कटौती? लाइट कब आती है कब जाती है पता ही नहीं लगता। रात में भी आजकल रात गायब रहती है, कभी 12 बजे कभी 10 बजे, जिस समय आदमी कम से कम समय से सो सके, सुबह उठ सके, लाइट गायब, जिसका असर हमारे दिन के काम पे भी पड़ता है। क्या बिजली की आवाजाही से लोग तंग है? तंग, अब आप सुबह देखिए, आप समय से जिस समय हमें काम करना जाना चाहिए या लोगों को पहुंचना चाहिए, पहुंच ही नहीं पाते। जिन लोगों को जो है सुबह काम पड़ता है, समय जल्दी पहुंचना होता है, जब सोएंगे नहीं सही समय से तो उठेंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे, बच्चों को तैयार होने में दिक्कत होती है। क्या सरकार की मंशा पर लग रहा है पलीता? सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है, स्कीम भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, सब कुछ प्रयास जारी है, पर उसका असर कहीं नहीं दिख पा रहा है। अब इसमें कहीं हीला हवाली है तो उस पर भी नजर रखनी चाहिए। क्या सब स्टेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती? सुनवाई करने के लिए अधिकारी होते ही कहाँ है, और इसके लिए सुनवाई के पास समय भी कहाँ है, इतनी जिम्मेदारी है उसके लिए अलग से लोगों ने की सिर्फ सुनवाई के लिए। बिजली कटौती तो क्या है, घंटा बिजली आवन नहीं है, अब फिर ऐसी होगा तो हाहाकार ना हो, जितने चाहिए है वो आराम से पंखा लीजिए अपने सो रहे हैं, बिजली का जाने लग रहा है। क्या घंटों रहती है अघोषित बिजली कटौती? क्या बिजली की आवाजाही से लोग परेशान है? बहुत ज्यादा त्राय त्राय है। योगी ने कहा था बिजली 18 घंटे 18 घंटे 18 घंटा बिजली नहीं आ रही, और कम रेट पर देंगे, फिर ज्यादा होगा, बिजली भी नहीं आ रही। क्या सरकार की मंशा पर लग रहा है पलीता? सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार हो रहे काम है, माता सब भी रहे हैं। क्या सब स्टेशन में कोई सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं, लोग बच्चे पड़े हैं, पहले तो ठीक हो रहा है, बिल आवर रहा है घर है तो चलो बिल जमा कर लिया, उस अब जो है कंप्यूटर सिस्टम बुल रहा है तो चलानी हो जाएगी। से तो कह सकते हैं कि बिजली का आना जाने का ना कुछ समय निश्चित रहता है और ना ही जरूरत का अंदाजा लगता है। सरकार को ये कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, जिस तरह से रात में बिजली की कटौती हो जाती है, उससे बच्चों की परेशानी को देखते हुए घर के हालात में तो हाहाकार की स्थिति जैसी आ ही जाती है। क्या घंटों रहती है घोषित बिजली कटौती? घंटों क्या, कई कई दिन रहती है। तारों की कमजोरी का हाल ये हो गया कि कब तार कहाँ का टूट जाता है गाँव का पता ही नहीं चलता है, इसके बाद उसको ठीक होने में घंटे लगते हैं कि दिन लगते हैं इसका भी पता नहीं रहता है, तो घंटों की जगह दिनों की कटौती भी कह सकते हैं। क्या बिजली की आवाजाही से लोग तंग? बार बार आना बार बार जाना, तो जो घरों में उपकरण लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनके ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। एक तो खरीदना ही मुश्किल होता है, इसके बाद में फिर उनका रिपेयर कराना, और उनकी आ रही बिजली जा रही है, घट रही है बढ़ रही है, कभी 20 वोल्टेज होता है, कभी 200 वोल्टेज होता है, कभी 400 वोल्टेज हो जाता है, इससे बहुत बड़े उपकरणों में और खुद के
व्यवस्था में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या इससे सरकार की मंशा पर पलीता लग रहा है? बिल्कुल, सबसे बड़े परिदृश्य में तो हम इसको देखते हैं कि जो गरीब आदमी कुटीर उद्योग चला रहा है, छोटी बिजली से अपने बड़े काम करने की या छोटे स्तर पर पारिवारिक संरचना को संचालित कर रहा है, तो उस स्थिति में हम जब देखते हैं तो कुटीर उद्योगों की स्थापना का औचित्य ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि बिजली जिस तरह से उस गरीब की झोपड़ी के लिए दिया साबित हो सकती है, जब बिजली नहीं मिल रही तो वो छोटे से छोटे काम अपने कैसे संचालित कर सकता है। कुटीर उद्योग को मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है और वो समाप्ति की कगार पर खड़े हो जाए। क्या सब स्टेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती है? किसी का बिल बढ़ गया, किसी का घट गया, और उसके बाद में वो शिकायतों का इतना बड़ा अंबार होता है वहाँ पर, और कर्मचारियों की संख्या नगण्य है। सीधी सी बात है, वो लोग सुनने अगर मिल गए तो सुन तो लेते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइज कर देना चाहिए बिजली को, जिससे आम लोगों को इससे छुटकारा मिल सके और प्राइवेट मजबूत हाथों में देकर इसको मजबूत किया जा सके। बच्चे बूढ़े सभी हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या घंटों रहती है उसी बिजली कटौती? घंटों क्या रहती है, कॉक्स बैठे घंटे नहीं चली जाते हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ है। क्या बिजली से हाहाकारी से लोग तंग है? बहुत तंग है बेटा, बच्चे बूढ़े रोड पे हम लोग लेटते हैं। क्या सरकार की मानसा पर लग रहा पलीता? वो तो लग ही रहा। क्या सब स्टेशन पर कोई सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते? कोई सुनवाई नहीं होती बेटा। बिजली मतलब अपना मीटर के बारे में? मीटर के बारे में मेरा मीटर लगा, इतना बिल आता है कि हम गरीब आदमी राल बेवा हम कहाँ से दे सकते हैं, चौका बसन करते हैं, हैं? इतना बिल आता मेरा, चार महीने में हम 5,000 रुपये दे चुके हैं, 6,000। हम तो गरीब आदमी मर जाएंगे, कहाँ से देंगे, खाएंगे या हम बिल देंगे? क्या किलोवाट का मीटर आपका? 1 किलोवाट का है। कितना बिल आया था आपका? 2,000 आता है, कहीं 2,800 आता है, कहीं 1,000, 1,100, 1,200 ऐसे आ रहा है। बहुत ज़्यादा आकार मचा हुआ है, और मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं चमनगंज क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ पर बिजली की बहुत समस्या खराब है। यहाँ पर आधा घंटा लाइट आती है, दो दो घंटे के लिए चली जाती है, रात का भी यही हाल है और दिन का भी यही हाल है। यहाँ पर हम सब आदमी तो सड़क पर आ गए हैं, औरतें कहाँ जाएंगी, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। चमनगंज केसा में जाकर शिकायतें हम लोग करते हैं तो वहाँ पर अधिकारी नहीं मिलते, अधिकारी मिलते हैं तो उनके वहाँ काम करने वाले कर्मचारी नहीं मिलते, कहते हैं फला जगह गए, अभी जाइए मैं करा दूँगा। मैं तो चार बार पाँच पाँच बार जाता हूँ और यही भाई सुन के चला आता हूँ, आखिर में फ़ोन नंबर लाता हूँ, फ़ोन करता हूँ तो सीओ जॉब मिलता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ का समाधान किया जाए वरना हम सब लोग सड़कों पर उतर आएंगे। अगर सड़कों पर उतर आए तो आप समझते कि क्या हो सकता है। क्या घंटों रहती है उसी बिजली कटौती? घंटे दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे बिजली नहीं रहती है, यही हाल दिन का है, यही हाल रात का है। दिन तो हम पार कर लेते हैं, रात बच्चे कैसे पार करें, चार चार घंटे परेशान रहते हैं। बिजली का बिल हम लोग सब दे रहे हैं लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्या बिजली की आवाज़ गाड़ी से लोग तंग है? बहुत ज़्यादा। क्या सरकार की मंशा पर लग रहा है पलीता? बिल्कुल लग रहा है भाई, बिल्कुल लग रहा है। सरकार हमारी कुछ कर ही नहीं रही है, कर रही तो क्या कर रही है भाई? हम मुस्लिम क्षेत्र में रहते हैं, क्या मुस्लिम इंसान नहीं होता क्या है? हम मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या सबस्टेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम मुसलमानों के साथ जागरूकता हो रही है, इसका समाधान किया जाए। बहुत आकार मचा हुआ है, हमें तरफ हो जाती है, दिल्ली आती है, चली जाती है, ये आई आधा घंटा दो घंटा चली गई, आदमी बहुत परेशान है, बाहर निकला है गर्म के मतलब जान निकली जा रही है आदमी को।
अगर आदमी जाता है तो शिकायत करता है, जब जा रहा है आदमी कैसा जा रहा है तो कैसा में आदमी कह रहा है कि भाई वो कर्मचारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उसके बाद अपनी शिकायत लेके जाते हैं। तो पहले बताए थे भाई आपकी महीने का बिल बढ़ गया है, बिल बढ़ा रहे हैं मगर बच्ची नहीं दे रहे हैं, जान निकली जा रही, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया फैल रहा है, और ऐसा कोई उसका हाल नहीं है। क्या घंटों रहती है गौसी बिजली कटौती? बिल्कुल घंटों रहती है, घंटों में रहती तो कैसे हम आपके पास ये बात कर रहे हैं। रात में तो दो दो तीन तीन घंटा काट रहे हैं, बिजली चार घंटे काटे दे रहे हैं, बाकी बस परेशान है। अब इन्वर्टर कहाँ तक आदमी करेगा, इन्वर्टर कहाँ तक चलेगा आदमी का, क्या हम लोग इन्वर्टर में डिपेंड नहीं जाएंगे? तो हमको तो लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग बिहार चले जाएँ, वहीं रहें, कम से कम ठंडी हवा तो वहाँ मिलेगी, कम से कम पेड़ की पेड़ ठंडी हवा तो मिलेगी हमको वहाँ पर। अब यहाँ पर कोई मामला ही नहीं बन पा रहा, किसी शिकायत करो अधिकारी कान नहीं डाले हुए। हाँ हाँ हाँ, अगर फोन लगाओ तो फोन उनके बंद है। क्या बिजली से आवा वजीरी लोग तंग है? बहुत तंग है, तंगी तंगी जनता की परेशान है। क्या बताएं आपको कि अपनी बात कैसे रखी जाए, कैसे की जाए, क्या जान दे समझ में आएगा? जब हमारी बात सुनवाई होगी, जब हमारे सब लोग की सुनवाई होगी, सब लोग सबको भी आएंगे, सब सुनवाई होगी, चाहते हैं कि सबको भी आदमी आ जाए, सबको धंधा पसंद करे, तब उनको समझ में आएगा, कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या सरकार की मंशा पर लग रहा है पलीता? बिल्कुल पलीता लग रहा है भाई, इतना पलीता आपसे क्या बताएं भाई, पलीता लग रहा है। और दूसरी बात जो है, सरकार खुद नहीं सोच रही सरकार है कि क्या करना चाहिए। बहुत जबरदस्त आकार मचा है, बच्चे औरतें बूढ़े जो बीमार नहीं थे वो बीमार हुए जा रहे हैं, और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। क्या घंटों रहती है घोषित बिजली कटौती? बना कोई टाइम नहीं है, और इसके लिए कोई आगाह नहीं करता है बिजली विभाग कि हम आज इतने घंटे कटौती करेंगे, जब बिल होता है जब रोस्टिंग। क्या बिजली से आहाकारी से लोग तंग है? बेपनाह तंग हैं, आवाम इस टाइम बेपनाह परेशान है, कभी भी रोडों पर आ सकती है, और कभी भी यूँ समझ लीजिए कि बिजली विभाग किसी भी परेशानियों को दूर करने के लिए संतोषजनक जवाब देता ही नहीं है। क्या सरकार की मंशा पर लग रहा है पलीता? ये खून ही लग रहा है, खूब लग रहा है पलीता, अधिकारी सुन नहीं रहा है। क्या सब स्टेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है साहब, घंटों फोन लगाते रहो सब स्टेशन पर या बिजली विभाग के अधिकारी तो वो इंगेज पे डाल देते हैं या फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, फोन उठाते ही नहीं।